अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ अम्मी के घर और अम्मी लेकर आई थी ये शेप्स। ये बच्चों को इस शेप से कुछ भी बना कर देना तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो आज अम्मी ने बोला चलो इससे आज मीठी टिकिया बनाते हैं बच्चों के लिए। तो बस ये हमने आटा गूंदा है, हमने मतलब इसकी डो इस तरह बनाई है कि मैदा लिया है हमने 2 कप, उसमें हमने डाले हैं 2 चम्मच दही, 2 चम्मच दही डाले हैं और जो ना चीनी डाली है। चीनी को पानी में पका के हमने उससे जो ना ये डो गूंदी है, तो उससे जो ना चीनी मिक्स हो जाती है अच्छे से पानी में पकाने के बाद। और उसके अलावा हमने इसमें हमने 4 चम्मच घी के डाले हैं। अच्छा, पानी को ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब कि नीम गर्म पानी में चीनी डालनी है 4 से 6 चम्मच, जैसे आपको जितनी जितना मीठा चाहिए हो। अब इसको थोड़ा सा ये हमने ये रोटी बेल ली है, थोड़ी सी मोटी इसको बेलेंगे, देखें इस तरह। इसके बाद ये शेप्स हैं, जो चाहे शेप जो बच्चों को आपके पसंद हो उस शेप के हम इसको कट करेंगे। ये हार्ट का शेप, ये देखिए मैंने ये सारे शेप्स रख लिए हैं जो भी बच्चों को मेरे पसंद थे। अब मैं ये शेप्स निकालूंगी और ये इस तरह कर लिए हैं। अच्छा, ये अगर शेप्स बनाए ना, वैसे बच्चे शौक से नहीं खाते, शेप्स होना तो बच्चे बहुत ना अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, तो उनको अच्छा लगता है। अब इसको हम निकाल लेंगे, ये अच्छे से कट हो गया है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, ये फ्लावर है। अच्छा, ये जो बच जाएगा ना, इसको इसको भी वेस्ट नहीं करना, इसकी दोबारा से हम जो ना वो रोटी बनाएंगे, उसके बाद इस तरह कटिंग करके बन जाएंगे सारे। बस ये शेप्स रेडी हो गए हैं हमारे, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें एक हमारा फ्राई हो गया है, ये सारे बहुत क्रिस्पी से बने हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब ये और अब फ्राई हो रहे हैं। ये देखें दोनों प्लेट हमारी रेडी हो गई है, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। बच्चों को बहुत देर से इंतज़ार था कि जल्दी से बने और वो खाएं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा एंड हैप्पी एनिवर्सरी।